करण सिंह जी भाषण दे रहे थे और माइक से छूट ही नहीं रहा था, इतने मन से भाषण दे रहे थे, आत्मा से बोल रहे थे और मैं फर्क देख रहा था, वो कार्यकर्ता करण सिंह उचाड़ा और जो आज कांग्रेस का लोकसभा का उम्मीदवार करण सिंह उचाड़ा है, जिस जिम्मेदारी से उन्होंने आपका बीड़ा उठाया है, जिस प्रतिबद्धता से आप लोगों की सेवा करने का प्रण लिया है, मुझे पूरा विश्वास है आप लोग दोनों हाथों से आशीर्वाद दोगे और करण सिंह जी को देश की संसद में पहुंचाओगे। देश की संसद में बैठकर आपका अपना बेटा आपके लिए काम करेगा, ईमानदारी से करेगा, इस बात की जिम्मेदारी हम सब लोगों की है। लेकिन साथियों, बीजेपी के प्रचार से उनका जो प्रोपेगेंडा है, उनकी जो मार्केटिंग है, उसे मैं सावधान रहना है। अभी 26 तारीख तक यहाँ मतदान नहीं है, बड़े बड़े नेता आएंगे, बहुत सारे भाषण बोलेंगे, लेकिन हमें अपना आशीर्वाद देना है। करण सिंह जी मेरी कार्यकारिणी में काम करते थे, मैं अध्यक्ष था, हम लोगों ने बहुत संघर्ष किया था, विपक्ष में थे और भाजपा से लगातार टकराव हम लोगों ने किया सरकार के साथ, जवाबदेही तय करने के लिए, जनता की मांगों को उठाने के लिए। आज बहुत सोच समझ कर हम सब लोगों ने मिलकर करण सिंह जी को आपके भरोसे पर यहाँ से उम्मीदवार बनाया है। और मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ, इस बार के लोकसभा के परिणाम चौंकाने वाले होने वाले हैं, क्योंकि जो प्रचार प्रसार भाजपा करती है धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर, अब वो चलने वाला नहीं है। देश समझ गया, मतदाता समझ गए, जो विकास चाहते हैं, प्रगति चाहते हैं, शांति चाहते हैं, और तोड़ने वाले लोग, टकराव पैदा करने वाले लोग, प्रतिशोध की भावना से काम करने वाले लोग, उनको जनता नकारेगी। आज इस सभा से एक संदेश जाना चाहिए, एकजुटता का, विजय का संकल्प और सेवा भाव से काम करने वाले लोगों को आप आशीर्वाद दोगे तो पूरे देश प्रदेश में कांग्रेस पार्टी दोबारा उस मजबूती से उठ सकेगी जिसकी हम लोग तमन्ना करते हैं, आमना कामना करते हैं। आप सब लोगों ने बहुत देर से हमारी बात को सुना, मैं एक बार पुनः तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आह्वान करना चाहता हूँ, कृपया करके एकजुटता का परिचय देते हुए इस जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में वो इतिहास रच दें और कांग्रेस पार्टी को प्रचंड बहुमत देकर आशीर्वाद जिताकर करण सिंह जी को विधान लोकसभा में भेज दें। और करण सिंह जी जैसा खुद कह रहे थे, पिछले 25-30 साल से रगड़ाई कर रहे हैं, अब इस रगड़ाई को पहचानते हुए कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है, मुझे पूरा विश्वास है जिस जज्बे से, जिस मेहनत से आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, जो जनता का रिस्पॉन्स आ रहा है, हम लोग भारी बहुमत से जीतेंगे, ना सिर्फ जोधपुर से लेकिन आसपास पूरे प्रदेश में अप्रत्याशित परिणाम आएंगे और कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस की सरकार जून में बनेगी। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। राम राम साहब।